हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजाइन ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि फोटोशॉप में वेरिएबल की मदद से हम मल्टीपल आइकन कैसे बनाएं, वो भी फोटो के साथ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अगर आप डिजाइनिंग करते हैं तो कई बार कोई इंस्टीट्यूट वाले या स्कूल वाले आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए दे देते हैं और एंट्रीज आपको एक्सेल में करके देते हैं, तो जिसे आप मैनुअली वन बाय वन लगाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसी एक्सेल शीट से सीधा आप आइडेंटिटी कार्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी फोटो के साथ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ेदार वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि अपने आप एक आइडेंटिटी कार्ड डिज़ाइन कर ले। जैसा मैंने अपनी स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे कि एक सैंपल डिज़ाइन किया हुआ है। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, वो चाहिए एक्सेल की शीट जिसमें आप एंट्री करेंगे। जैसे ये बच्चे का नाम हो गया, जैसे मैं फिलहाल एक इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल बना रहा हूँ। नाम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड फोटो, वो सब चीज़ें हमारी इसी फोटोशॉप की फाइल में हैं। नाम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, और यहाँ पर फोटो लग जाएगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला काम जो करना है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है आप उसे डुप्लीकेट कर लें ताकि आपकी ओरिजिनल फाइल ना छिड़े। तो यहाँ पर जाके हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, अब क्या करना है, नाम के सामने नाम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ गाइडलाइंस ले लेते हैं ताकि नाम क्या है? नाम में यहाँ कुछ गाइडलाइन दे देंगे। इनको हम यहाँ गाइडलाइन लगा देते हैं ऐसे ऐसे उठा देते हैं। टेक्स्ट टू हम यहाँ पे टाइप करते हैं सेम फॉन्ट साइज में, जो फॉन्ट साइज हमारे इस वाले नेम पे है, तो इसे उठा के हम यहाँ रख लेते हैं बिल्कुल उसी स्टेट। अब इसको डुप्लीकेट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं कि ऑल्ट के साथ दबा के। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रोल नंबर, फिर कॉपी करते हैं। यहाँ पर लिखने वाले हैं कॉन्टैक्ट नंबर, और नीचे हम लिखने वाले हैं एड्रेस। फ्रेंड्स, ऊपर के जो तीन ये हैं, टेक्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और रोल नंबर, ये सारे पॉइंट टेक्स्ट हैं, लेकिन हमारा जो एड्रेस है इसको हम पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एड्रेस लंबा होगा तो आगे तक जाएगा, यहाँ पर फोटो को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम पैराग्राफ टेक्स्ट में से कन्वर्ट कर देंगे। बस इसे राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू पैराग्राफ टाइप करेंगे, और इस पर क्लिक करके पैराग्राफ को इतना बढ़ा लेंगे ताकि एड्रेस जब यहाँ पर आए तो यहाँ से ब्रेक होके नीचे आ जाए। अदरवाइज अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो यहाँ आगे तक चला जाएगा जो लंबाई तक होगा, अभी क्या होगा कि वो ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। इसके बाद अब बात आती है हमारी एक्सेल शीट की। अब एक्सेल शीट में हमने एंट्री करी है, जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है, नेम फोटोशॉप में, नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, हमने चार के हेड बना दिए और फोटो। फोटोज के लिए क्या करना है, आप ये बॉक्स देख रहे हैं जिस बॉक्स में अपने फोटो लगानी, आप अपनी विंडो में जाके एक इन्फो पैनल खोलेंगे यहाँ से, और ये जो बॉक्स है इसका साइज ले लेंगे आप। कंट्रोल टी करेंगे जब ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इसका साइज दिखेगा 268x314 पिक्सल। तो आपको जो इमेजेस क्रॉप करनी है वो इसी साइज में करनी है 268x314। तो हमारे पास कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर, जैसे मैंने इसको अभी तक क्रॉप नहीं किया है आपको दिखाने के लिए, तो इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ 268x314, और रिजोल्यूशन हम रखेंगे 300। तो यहाँ से हम क्रॉप टूल ले लेते हैं, ये क्रॉप टूल आ गया, ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है 268x314 पिक्सल पे, तो इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ
ये क्रॉप हो गई और इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, तो ये फाइल वहीं सेव हो जाएगी। यहाँ पर ये फाइल सेव हो गई। अब दूसरा काम क्या करना है, इमेजेस लाने के लिए। अब जैसे ये अमित भाटिया है, तो इसको देखिए, इसका फुल नाम को कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम इसको जैसे राइट क्लिक करना है, रीनेम जैसे करते हैं वैसे रीनेम करेंगे और इसके नाम को हम कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे अमित भाटिया यहाँ है, तो हम इसके नाम को जो हमने कॉपी किया वहाँ से फाइल में उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पूजा शर्मा, इस तरह हम सबके नामों को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह रीनेम करेंगे, कॉपी कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर आके कंट्रोल वी। नेक्स्ट नाम है हमारा दीपक काल्ट्रा, मेरा दीपक काल्ट्रा को कंट्रोल सी किया कॉपी हमने और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। तीसरा नाम है हमारा, चौथा पूजा रॉय, इस तरह सबको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैंने कर लेता हूँ जल्दी से, पूजा रॉय, निकिता दास, नेक्स्ट तेजस पांडे, तो ये सारे नाम मैं यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ, बात ऑटोमेटिक वहां से उठा लेगा। अब एक काम हमारा हमें एक्सेल शीट बन गई है। अब क्या करना है, इस फाइल को हमें CSV फॉर्मेट में सेव करना है। फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे, का नाम फाइल कार्ड ऑलरेडी सेव है पर नीचे से मैं इसका फॉर्मेट CSV सिलेक्ट कर लेगा, ये वाला CSV कॉमा डेलिमिटेड और सेव करता हूँ। ये सेव हो गई। अब नेक्स्ट काम क्या, अब मेन काम फ्रेंड्स यहाँ से शुरू होता है। अब हमारा नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट और एड्रेस, इन चारों पे ध्यान देना है आपने। अब बात चाहें तो बाकी सब फाइल को, अगर एक फोटो को, ये सबको छोड़ के पूरी फाइल को मर्ज कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कंट्रोल ई करके मैं इन सबको मर्ज कर देता हूँ, उस लेयर को डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ कुछ लेयर्स हमारे पास ओपन रह गए हैं जिन पे मेनली हमें काम करना है। अब क्या करना है, इमेज में जाना है, वेरिएबल में और डिफाइन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लेयर्स शो कर रही है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहली लेयर शो कर रही है, तो हमारी यहाँ पर लेयर पैनल पर है। तो अभी जो मैंने आपसे कहा था कि बाकी सब लेयर्स को मर्ज कर दीजिए, सिर्फ उन्हीं लेयर्स को छोड़िए जिन पर आपको काम करना है, तो इसलिए बोला था कि यहाँ पर ज़्यादा लेयर्स होंगे तो आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। उन्हीं लेयर्स को रखिए जिन लेयर्स पर आपको काम करना है। फाइल तो आप डुप्लीकेट कर ही चुके हैं तो फाइल लॉस का तो चांस नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम से, तो हमें टेक्स्ट रिप्लेसमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेम में वही नाम डालना है जो आपने एक्सेल हेडिंग में डाला है। नेक्स्ट चलते हैं रोल नंबर, हमने वहाँ पे रोल अंडरस्कोर नंबर लिखा है, इसलिए यहाँ पर भी हमने रोल अंडरस्कोर नंबर लिखा है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्टैक्ट पे, लिखते हैं एक भी वर्ड आपने मिस कर दिया तो आपका वेरिएबल काम नहीं करेगा। एड्रेस, नेक्स्ट आते हैं फोटोज पे, इसलिए हमने यहाँ पे फोटो ले जाएंगे। नीचे मेथड है फिट फिल एज इट, हम कन्फर्म, हमने ऑलरेडी फाइल को क्रॉप कर लिया है जो इस साइड में फिट होगी, तो इसलिए हम फिट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं
फाइल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से सीवर फॉर्मेट में जाके icat.csv जो हमने सेव करी थी उसे लोड करते हैं। लोड हो गई। ओके, अब देखेंगे इनके स्क्रीन भी आ गए हैं। अब यहाँ से डाटा सेट चेंज करेंगे। यहाँ देखेंगे नाम बदल रहा है आगे का, तो नाम के साथ फोटो भी नीचे जा रही है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में डाटा सेट एज साइज क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर मैं फाइल को सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आईकार्ड फोल्डर में न्यू आईकार्ड पर क्लिक करता हूँ जहाँ पर मुझे फाइल सेव करनी है। ये देखेंगे ये फोल्डर बिल्कुल फिलहाल खाली है। यहाँ पर आते हैं और नीचे आप जो फाइल नेम एग्जांपल आ रहा है देखेंगे डॉक्यूमेंट नेम, जो डॉक्यूमेंट नेम हमारा भी आईकार्ड है कॉपी, इसलिए डॉक्यूमेंट नेम आईकार्ड कॉपी आ रहा है। उसके बाद अंडरस्कोर और डाटा सेट नेम, जो फर्स्ट एक्सेल में आपने रो में नाम लिखे हैं उस हिसाब से फाइल का डाटा सेट नेम आ रहा है, जो पूजा शर्मा है। यहाँ जैसे हम ओके करेंगे फाइल यहाँ पर सेव होना शुरू हो जाएंगी। हम ओके करते हैं, ये फाइल सेव होना शुरू हो गई है। शायद सारी फाइल सेव हो गई, देखिए गिनती के इसने 30 सेकंड भी नहीं लिए सब सारी फाइल्स को सेव कर दिया। अभी फाइल PHD में इसलिए हमें प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम इन सबको JPG में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम फोटोशॉप में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट में इमेज प्रोसेसर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है जिन फाइल्स को आपने JPG बनाना है। यहाँ सिलेक्ट फोल्डर करेंगे, हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पे आईकार्ड न्यू आईकार्ड ओके और सेव इन सेम लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप सिलेक्ट किसी और फोल्डर में सेव करना चाहते हो यहाँ करें, अदरवाइज सेम फोल्डर में तो सेम इन सेम लोकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव है JPG क्वालिटी तो आप चाहते हैं यहाँ पर हम 12 कर लेते हैं और रन करेंगे। ये सभी फाइल्स हमारी JPG में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस फोल्डर में हम आते हैं, देखें ये देखें ये वन बाय वन सारी फाइल्स कन्वर्ट हो रही है। हमारे पास हाँ 8 फाइल्स हैं, तो 8 फाइल्स हमारी कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह आप ये 2, 3, 10, 20, 50 और जितने भी चाहिए एक साथ वेरिएबल के थ्रू अपने आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अगर आपके पास फोटो अपने सर्कल में लगाने हैं उस केस में क्या करना है। मेरे को दूसरा सैंपल है ये, तो नीचे का प्रोसेस सारा वही रहना है। जैसे फोटो जो है हमारे पास फाइल वही है, मैंने बस इसे क्लिपिंग मास्क कर दिया है, रिलीज क्लिपिंग मास्क करता हूँ। जैसे फाइल साइज वही है लेकिन मैंने एक और जैसे इसे हाइड करता हूँ, तो नीचे एक सर्कल लिया है और सर्कल के अंदर उसको क्लिपिंग मास्क कर दिया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर, तो जो फोटो वहाँ से आएगी वो इस कैनवास के हिसाब से आएगी बट वो इस सर्कल के अंदर मास हो जाएगी। तो इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, इमेज में जाके डुप्लीकेट किया ओके, और फिर उन्हीं लेयर्स को छोड़ेंगे जिन लेयर पर हमें काम करना है। सबको मर्ज कर लेते हैं और लेयर डाउन कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ वही लेयर बची है इन पर हमें काम करना है, एड्रेस कॉन्टैक्ट और फोटो। दोबारा हम
इमेज में जाएंगे, वेरिएबल में जाते हैं, डिफाइन करेंगे और नेम में नेम डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा रोल नंबर एड्रेस के अंदर, अच्छा ये कुछ एड्रेस है, ये एड्रेस के अंदर मैसेज डाल देंगे और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट और फोटो में फोटोज नेक्स्ट करेंगे। तो फाइल हमारी ऑलरेडी इंपोर्टेड थी तो वो फाइल हमारी यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगी और इसे हम ओके करते हैं। उसके बाद दोबारा इन फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट में जाएंगे, डाटा सेट एस फाइल करेंगे और वही दूसरा फोल्डर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई कार्ड में गए और आई कार्ड के अंदर एक और फोल्डर बनाया कार्ड, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कार्ड और ओके करेंगे। तो इन सबकी पीएचडी फाइल, यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन है जैसे, तो पीएचडी फाइल सबकी सेव कर देंगे। ओके करते ही हमारे ये प्रोसेस हो रहा है। वहां जाके देखेंगे हम आई कार्ड में सर्कल का, तो ये सारे इसमें जेपीजी पीएचडी फाइल बना दी है। इसको भी हम अगर फाइल में जाएंगे स्क्रिप्ट में इमेज प्रोसेसर फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, आई कार्ड में सर्कल कार्ड ओके सेव इन लोकेशन रन करते हैं और वहां जाकर देखेंगे तो जेपीजी का फोल्डर बन गया है और कार्ड वन बाय वन आई कार्ड की जेपीजी फाइल बनती जा रही है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल कार्ड बना सकते हैं। फ्रेंड बहुत ब्रीफ ट्यूटोरियल था, आप जब बार बार देखें तो बार बार आप करेंगे तो बहुत आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको बहुत आसान रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी क्वेरी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।